ब्रिक्स कैसे निकाले, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें जो बाउंड्री वॉल है उसमें ईंटें कैसे निकालते हैं, या फिर जो घर बना रहे हैं आप उसमें ईंटें कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे फाउंडेशन से लेकर, जैसे आपकी जो फुटिंग होती है, फुटिंग से लेकर आपकी जो टॉप तक है, तो वहाँ तक हम कैसे ब्रिक को वॉल क्वांटिटी हम कैसे निकालें, प्लस का जो वॉल्यूम है कैसे निकालते हैं। जस्ट आज इस वीडियो में हम कोई रेड एनालिसिस नहीं सिखाएंगे, जस्ट इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि जो ब्रिक्स है, जो क्वांटिटी है ब्रिक मेजनरी वॉल के अंदर कितनी ईंटें लगती है, प्लस उसका रनिंग फिट, एक रनिंग फिट मतलब एक फिट की जो लंबाई है दीवार की उसमें कितना खर्चा आता है, कितने उसमें ईंटें लगती है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं काफ़ी वीडियो लेकर भी आ चुका हूँ कि हम थंब रूल कैसे निकालते हैं, तो आप इस वीडियो से भी थंब रूल कैसे निकालते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मिलते हैं इस नए लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास है एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल 1000 स्क्वायर फीट। एग्जाम्पल ले बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो हमें ब्रिक कैलकुलेशन निकालना है 100 रनिंग फीट का, किसका, एक बाउंड्री वॉल का। 100 रनिंग फीट मतलब हमारे पास कोई सपोज कीजिए इस तरह की, या फिर इस तरह की कोई रनिंग फीट है, जैसे कि हमारे 10 फीट हो गई आपका, सपोज कीजिए 40 फीट हो गई, 40 फीट हो गई हमारे पास, ठीक है, तो 25 फीट हो गई, 40 80, 10 फीट हो गई, 10 फीट हो गई, तो 80 80 200, तो कुछ तरह से कोई प्लॉट एरिया हो सकता है आपका, या फिर रनिंग फीट में कोई बाउंड्री वॉल हो सकती है। तो वहाँ पे हम इसका एक फीट में कितने ईंटें लगेगी, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 100 फीट का। अगर हमारे पास 100 रनिंग फीट के निकाल लेंगे तो वहाँ पर आसानी आसानी से निकाल सकते हैं कि एक फीट में कितना ईंटें लगेगी। तो उसके लिए एग्जाम्पल में जाएंगे हम, कि एक एग्जाम्पल जाते हैं कि हमारे पास 10 फीट बाई 10 फीट की एक वॉल है। पहले हम इसमें थंब रूल निकालेंगे कि एक स्क्वायर फीट में कितना ईंटें लगती है, पहले उस थंब रूल के अंदर हम जाएंगे। तो हमारे पास 10 फीट बाई 10 फीट का एक वॉल है, 10 फीट की 10 फीट की हमारा पास इंग्लिश बॉन्ड है, बस इसमें जो ये वाला है स्ट्रक्चर कोर्स और ये आपका हेडर कोर्स। अगर 9 इंची की वॉल निकालना आपको, जैसे 9 इंची की वॉल है, तो ये सरफेस हमारे पास, ये सरफेस का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सरफेस का एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया, ठीक है। तो हमारे पास अगर स्ट्रेचर कोर्स है तो टोटल एरिया डिवाइड बाई ये स्ट्रेचर कोर्स का एरिया, तो वे ये वाली जो ईंट लगती है 4 इंची में लगती है, और ये वाली जो ईंट लगती है 9 इंची में लगती है। तो हम इस 4 इंची का निकाल लेते हैं कि 4 इंची वाल में, अगर आपके पास 10 फीट बाई 10 फीट की वाल है, 10 फीट बाई 10 फीट का मतलब आपके पास 100 स्क्वायर फीट की कोई वाल है, तो एक ईंट का जो एरिया है विद मोर्टार के साथ में, क्योंकि आपके पास ईंटें इस तरह से लग रही है, तो वहाँ पे जो मोर्टार है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, लगभग 1/2 इंची, लगभग मोर्टार की थिकनेस 1/2 इंची होती है। तो इस हम सेंटर से सेंटर में जाएंगे, या फिर इसके टॉप के, इसके टॉप से जाएंगे, तो वो हम निकाल लेंगे। तो थंब रूल अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल भी वीडियो मैं बना भी चुका हूँ इस वीडियो पर रिलेटेड, 10 फीट 10 फीट की वॉल पर लेकर हम कितना ईंटें निकालते हैं पर स्क्वायर फीट में, तो वो वीडियो भी देख लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट की हमारे पास एक वॉल है, तो साइज जो ब्रिक का जो साइज है, ट्रेडिशनल ब्रिक जो ऑलमोस्ट हम घरों में यूज करते हैं, ये वाला ब्रिक का साइज यूज करते हैं, विदाउट मोटर के जो साइज होता है ये होता है ट्रेडिशनल ब्रिक, जो PWD वर्क डिपार्टमेंट में भी ये ब्रिक यूज होती है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं साइज ऑफ 1 ब्रिक विद मोटर के साथ में, तो विद मोटर के साथ में जैसे हमारे पास कोई ब्रिक है, जैसे ये वाली ब्रिक है, तो यहाँ पे मोटर भी लग रहा है कि मोटर लग रहा है हमारे पास, स्टैंडर्ड जो होता है हमारा 10 से 12 mm होता है, तो वो क्या होगा 1/2 इंची मोटर हो गया। अगर यहाँ पे 1/2 इंची इधर हो गया, 1/2 इंची हो गया, तो अगर हम इसके सरफेस से लेंगे टॉप से तो 1 इंची हो जाता है, तो इस ईंट का भी हो जाता है, जैसे ए वाली ईंट है, फिर इसके बाद ये ईंट है, इसके सेंटर से इसका सेंटर, इसके सेंटर से ये वाला जो सेंटर हो जाता है, इसकी जो थिकनेस है वो है हमारे पास 3 इंची, मोटर के साथ में कितनी हो जाती है 3.5 इंची। ऐसे ही हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई में कितना है 9 इंची की ब्रिक है, तो उसके सेंटर से सेंटर सेंटर का मोटर का 9.5 इंची हो जाता है। अब विद मोटर के साथ में कितना हुआ 9.5 इंची बाई, ये अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो 9 अगर 9 इंची की वाल है तो सिंपल वहाँ पे क्या आएगा 9 इंची गुना 5 इंची गुना 3.5 इंची, ये आएगा आपका 9 इंची थिक वाल के अंदर। अगर 4 इंची की थिक वाल के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पे आएगा 9.5 इंची गुना हमारे पास हो जाता है 4.5 इंची और गुना 3.5 इंची, ये हो जाता है हमारे पास 4.5 इंची वाल थिकनेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4.5 में हमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि मोटर की वहाँ पे थिकनेस नहीं बढ़ेगी। वहीं हम 9 इंची की बात करते हैं, वहाँ पे 9 इंची में थिकनेस मोटर की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह से ईंटें लग रही है 9 इंची वाल में,
ठीक है, तो ये मोटर हमारे पास यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब एरिया ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ हमें निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में। अगर आपने एक ब्रिक का मोटर निकाल लिया विद मोटर के साथ में, तो पूरे एरिया का आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा कितने एरिया में कितने ब्रिक्स लगेगी। तो वहाँ पे हम जान लेते हैं आगे, तो 9.5 इंची गुना 3.5 इंची, हम 4.5 इंची वाल के अंदर हम निकाल लेते हैं कि इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तो कितना हो जाता है साइज यहाँ पर 9.5 इंची वाल 3.5 इंची हो रहा है। तो स्ट्रेचर कोर्स के अंदर, स्ट्रेचर कोर्स कौन सा होता है, ये वाला स्ट्रेचर जो सरफेस होता है आपका, ये होता है ईंट होगा, और हेडर फेस ये होता है, ठीक है। तो 9.5 इंची 3.5 इंच को गुना कर लेते हैं तो 33.25 स्क्वायर इंच आ जाता है। और स्क्वायर फीट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसको 144 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2309 स्क्वायर फीट, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमें यहाँ पे निकालना है, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितने ईंटें लगेगी। तो हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ वाल 100 स्क्वायर फीट का, हमारे पास वाल का एरिया है 1100 स्क्वायर फीट, और 0.2309 हमारे पास वन ब्रिक का साइज है, एरिया ऑफ वाल डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार। तो इससे हम बाहर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 433 ब्रिक। इसका मतलब ये है कि आपके 100 स्क्वायर फीट में 433 ब्रिक लगेगी, तो मतलब आपका क्या हो गया, तो 100 फीट में कितना हुआ अप्रोक्स, पर स्क्वायर फीट में कितना आएगा यहाँ से, तो पर स्क्वायर फीट में कितना आ जाएगा 4.3 अप्रोक्स 4.5 ब्रिक्स अप्रोक्स लगने वाली है यहाँ पे। 4.5 इंटी आपके क्या लगेगी, एक स्क्वायर फीट में, कौन सी इंच वाल में, 4.5 इंच वाल में 4.5 ब्रिक्स हो गई। अगर आपके पास 4.5 इंच वाल में 4.5 ब्रिक लग रही है तो 9 इंची में थिकनेस बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, तो वही रीज़न है कि 9 इंची में हमारे पास 9 ईंट लगेगी, 13.5 में हमारे पास 13.5 ईंट लगेगी। तो यहाँ पे हम ये थंब रूल हमारा बन जाता है कि पर स्क्वायर फीट में 4.5 इंच ईंट लगेगी, 9 इंच वाल है तो पर स्क्वायर फीट में 9 ब्रिक लगेगी। तो इसमें जो वेस्टेज भी आ जाती है, कम से कम भी यहाँ पे कितना वेस्टेज आ जाती है, अगर 100 स्क्वायर फीट में आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 433 अप्रोक्स, यहाँ पे 450, अगर यहाँ पे 450 हमने लेकर चले हैं, 450 माइनस 433, तो लगभग आपके 17 ईंट, मतलब अप्रोक्स 17 ईंट तो आपकी वेस्टेज में भी आ जाती है, तो वहाँ पे अप्रो वेस्टेज भी आपके इंक्लूड हो जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा थंब रूल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थंब रूल बन गया है। अब आगे चलते हैं, तो ब्रिक्स पर रनिंग फीट, अब हमें जो बाउंड्री वाल है, ये जो बाउंड्री वाल है इसमें हमें रनिंग फीट में निकालना है। ग्राउंड लेवल से जो नीचे है 4 इंची हमारे पास PCC है, 27 इंची का जो आपका जो पहला है 2 स्टार लगे हुए हैं, फिर 22.5 इंची का हमारे पास 2 स्टार लगे हुए हैं, मतलब दो ये वाले 2 लेयर लगी हुई है। उसके बाद हमारा 18 इंची का 2 लेयर लगी हुई है, फिर 14 इंची वाल है, तो 14 इंची के बाद हमारे पास 9 इंची की वाल आ रही है बाउंड्री पे। तो ब्रिक्स पर रनिंग फीट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 14625, ठीक है। तो ये हम जान लेते हैं पहले क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हम थोड़ा एस्टिमेट निकाल लेते हैं डिस्कशन में, ब्रिक्स वर्क बिलो PCC, PCC जो नीचे का, पहले हम PCC का जो नीचे लगा रहे हैं स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप जो आपका फर्स्ट फुटिंग है, ये वाली जो फर्स्ट फुटिंग है, इसमें जो एरिया है 27 इंची का है, नंबर्स कितना है 1, लेंथ कितनी है 100, रनिंग फिट हमारे पास जो बाउंड्री वाला है रनिंग फिट 100 फिट की लंबाई है, चौड़ाई क्या है 27 इंची, चौड़ाई कितनी है 27 इंची या फिर 2.25 फिट, ठीक है, फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। हाइट देख लेते हैं तो 6 इंची है, तो ये 27 इंची की चौड़ाई है, लंबाई हमारे पास जो बाउंड्री की है, क्योंकि रनिंग फिट में हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, रनिंग फिट कितना है 100 रनिंग फिट, और चौड़ाई क्या है 27 इंची, तो फटाफट हम यहाँ पे निकल लेते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास कितना है 100 रनिंग फिट की वाल है, 100 रनिंग फिट की वाल है और चौड़ाई क्या है 22.5 इंची, सेकंड जो फुटिंग है 22.5 इंची की है, तो 22.5 इंची लिख लिया है। हाइट क्या है 6 इंची, तो यहाँ पे हमारा क्या था 6 इंची, तो 6 इंची है। तीसरा जो स्टेप्स है हमारे पास 18 इंची का है, थर्ड स्टेप कितना है 18 इंची, तो कितना है नंबर 1, तो मतलब एक वाल है, मतलब एक ही वाल है, तो 100 फीट की लंबाई वाल है, 18 इंची की क्या इसकी चौड़ाई है, 18 इंची की चौड़ाई इस वाले की 18 इंची चौड़ाई है। हाइट क्या है 5, मतलब आपके 6 इंची, 6 इंच कन्वर्ट करेंगे फिट के अंदर, तो इसको बाहर 12 से बाहर करेंगे तो 0.5 फीट हो जाता है। और फोर्थ फुटिंग क्या है 1, तो 100 फीट की लंबाई है, 13.5 इंची की चौड़ाई है, 13.5 ये क्या होता है हमारे पास 13.5 इंची होता है, 9 और 4 13 और 13.5 9 और 4 13 इंची हो जाता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 13.5 इंची है, फिट कितना है 3 फिट, तो हमारे पास अगर प्लान में आपका लिखा हुआ है ये
डीपीसी है, ये आपका कट डीपीसी, ठीक है। तो डीपीसी से नीचे है 3 फीट है, 3 फीट है तो हमारे पास 3 फीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट डीपीसी लेवल से, डीपीसी लेवल से कितना है वाल हमारे पास, एक लर्निंग नंबर ऑफ वाल कितना है, एक 100 फीट की लंबाई है, 9 इंची की आपकी क्या है वाल है, और 8 फीट की क्या है, 8 फीट की गहराई हो जाएगी हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल क्या करना है, अब थंब रूल क्या था यहाँ पे हमारे पास, अगर 4.5 इंची की वाल है तो 4.5 ईंट लगेगी पर स्क्वायर फीट में, अगर 9 इंची की है तो पर स्क्वायर फीट में 9.5 ईंट लगेगी, 13.5 है तो 13.5 ही ब्रिक्स लगेगी, यहाँ पे थंब रूल आपका बन जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि 100 फीट में 27 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक स्क्वायर फीट में आपका लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे आपकी कोई बाउंड्री वाल है, क्रॉस सेक्शनल में हमें ये दिख रहा है, अब बाउंड्री वाल में हमें ये दिखेगा, ये स्टेप दिखेगा, तो ये कितना है 100 फीट की लंबाई है, 100 फीट की लंबाई हो जाएगी, और ये जो डेप्थ है ये कितना है 0.5 फीट, तो ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है, हमें निकालना है एरिया, 100 फीट गुना 0.5 तो कितना हो जाता है 50 फीट स्क्वेयर, अगर इस वाली जो वाल है तो यहीं पे हम दोबारा कर लेते हैं, 100 फीट की वाल है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल, ये वाली वाल का, इस वाल का क्रॉस सेक्शनल निकल गया, इसका भी क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 100 फीट की लंबाई है और इसकी जो गहराई है वो कितना है 0.5 फीट, तो इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं फटाफट, को फटाफट गुना कर लेते हैं, 50 फीट स्क्वायर आ जाता है, 100 फीट में 50 50 फीट स्क्वायर, 100 का 3 फीट की गहराई है, ये वाली जो वाल है 3 फीट की गहराई है, लंबाई कितनी है इसकी, बाउंड्री वाल की पूरी लंबाई 100 फीट है, 100 फीट है, गहराई कितनी है 3 फीट, गहराई 3 फीट, तो 100 फीट गुना 3 फीट तो 100 दिया 300 फीट आपका फिट स्क्वायर हो जाता है। अब वहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऊपर वाले की, ये हमारे पास 100 फीट की लंबाई है दीवार की और गहराई 8 फीट है, तो कितना हो जाता है 100 फीट गुना 8 फीट 800 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर फीट में एरिया आ गया। अब थंब रूल से हम निकालेंगे, थंब रूल यहाँ पे कितना था मक्का, थंब रूल 4 4.5 इंची में 4.5 ब्रिक्स लग रहा है। अब सिंपल क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है, अगर एक स्क्वायर फीट में, अगर आपके पास एक स्क्वायर फीट में इतनी ईंट लगती है, जैसे 4.5 इंची की है, 9 इंची की है, तो यहाँ पे 27 इंची की है, 27 इंची वाल है, अगर आपके 13.5 इंची वाल है तो 13.5 ही ब्रिक लगेगी पर स्क्वायर फीट में, तो यहाँ पे हमारे पास 27 इंची की वाल है, ये वाली जो 27 इंची की वाल है तो इसका मतलब 27 ही ब्रिक लगेगी पर स्क्वायर फीट में, 27 तो कितना हो जाता है 1350, 27 को गुना करेंगे 50 से 27 से 1350 आ जाता है, 22.5 को है गुना करना है 50 से, यहाँ पे थंब रूल आ जाता है, जैसे कि 4 है 13 है, और क्योंकि ये जो वाल होती है आपकी, ये वाल है जैसे कि आपकी ये वाल है, ठीक है, यहाँ पे हमने थंब रूल निकाला था, इसकी जो 4 4.5 इंची है, 4.5 इंची में ये वाला एरिया है, जैसे कि एक स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट में कितना लग रहा है 4.5 इंच लग रही है स्क्वायर फीट में, उसके बाद फिर डबल हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 9 इंची, तो इस ये वाली 9 इंची वाल हो गई, तो इसमें कितना होगा 4.5 और 4.5 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4.5 इंची की वाल और बढ़ जाती है बराबर में, 9 और 4 कितना हो जाता है 13.5 इंची वाल हो जाती है, तो 4.5 इंच इसमें लग रही थी, 4.5 4.5 4.5 तो 13.5, तो इसमें जितने की इंची की चौड़ाई वाल हो जाएगी उतनी ही आपकी मीटर लगेगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, सिंपल 18 इंची की वाल है तो 18 से इसको गुना कर लेना है, 18 गुना 50 इससे इसको गुना कर देना है, तो कितना हो जाता है 900 ब्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी 1350 ब्रिक्स जो लगेगी इस वाली जो ये वाल इस स्टेप स्टेप में, अगर 100 फीट की लंबाई है, ठीक है, ये आपकी बाउंड्री वाल है, 100 फीट की लंबाई है और इसकी जो गहराई है 6 इंची है, उसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास सपोज कीजिए 27 इंची, 27 इंची की वाल है, 9 9 18 9 30 27, मतलब आपके 3 ईंट लगेगी, इस तरह से 3 इंच लगी, 9 इंची और 9 इंची और गुना 9 इंची, 9 18 9 30 27, मतलब 3 ईंट लगी, तो मतलब आपके पास 100 फीट है, 6 इंची गहराई है, 27 इंची है, तो इस मीन इस वाली फुटिंग में आपकी लगने वाली है 1350 इंच ब्रिक्स लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, इसको अब 18 इंची वाले 18 इंची को आपको 50 से गुना कर लेना है तो 900 ब्रिक लगेगी, 13.5 है तो 13.5 से 300 गुना कर लेना है तो 450 ब्रिक लगेगी, अगर 9 इंची की वाल है तो 9 इंची को सिंपल आपको गुना कर देना है 800 से तो 9 800 872 7200 ईंट लगी, मतलब इस वाले अगर वाल में बात करते हैं 100 फीट की रनिंग में
तो इसमें लगेगी आपके पास 7200, मतलब 7200 ईंटें लगेगी। अब हम सभी को ईंटों को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 14625 ब्रिक्स। तो इसका मतलब पूरी जो बाउंड्री वॉल है उसमें 14625 ब्रिक्स लगेगी, ब्रिक्स पर रनिंग फीट। तो रनिंग फीट में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, अगर 100 फीट की आपके पास बाउंड्री वॉल है, 100 रनिंग फीट की आपकी बाउंड्री वॉल है, उसमें लग रहा है 14625 ब्रिक्स लग रही है, तो 100 फीट में एक रनिंग फीट में कितना लगेगा, मतलब आपके पास ये है कि ये पूरी बाउंड्री वॉल है, इसकी जो लंबाई है 100 फीट है, तो इस वाली फीट में, रनिंग फीट में, पूरी की पूरी वॉल में, ठीक है, ये आपके एक फीट की है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी ईंटें लगी। तो सिंपल आपको निकाल लेते हैं, यहाँ पे 146.25 ब्रिक्स आपको यहाँ पे लगने वाला है। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास 14625 ब्रिक है तो एट द रेट ऑफ कितना, 7 रुपये मार्केट में पता करने जाएंगे कितना ईंटा का कॉस्ट चल रहा है, तो वहाँ पर गुना कर देंगे उसी से, तो वह आपका अप्रोक्स आ जाता है 1,02,375, ठीक है। तो इसमें आपकी वेस्टेज भी इंक्लूड हो जाती है, आपकी वेस्टेज होती है जैसे कि आपके 10-15, जैसे कि पर 100 स्क्वायर फीट में वेस्टेज हमारी आ रही थी 17, पर 100 स्क्वायर फीट में 17 आ रही थी, तो 17 तो आपके पास एरिया हो जाता है हमारे पास 100 रनिंग फीट, तो 100 रनिंग फीट हमारे पास यहाँ पे एरिया था। और हाइट देख लेते हैं यहाँ पे 8 फीट 3 फीट 8 और 3 11, तो 6 लगभग आपके पास 8 3 11 12 12.5, तो गुना 12.5 फीट, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 12,500 स्क्वायर फीट, तो इतना लगभग हो जाता है। तो इसमें हमारे पास 12,500 है, तो इतना लगभग में 12,500 में अगर एक स्क्वायर फीट में लग रहा है, तो 100 स्क्वायर फीट में, तो ये आपको 125, तो लगभग आपके पास इसमें इंक्लूड तो हो सकता है इतना, ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर थंब रूल हमारा क्या बना, पर रनिंग फीट में हमारे पास आ जाए, पर इसमें थंब रूल हमारे यहाँ पे क्या बनता है, तो ब्रिक्स हम बाउंड्री वॉल में निकाला हमने, पर रनिंग फीट में 146.25 ब्रिक्स लगती है, ठीक है, रनिंग फीट में यहाँ पे थंब रूल आप निकाल लेंगे अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसी तरह आप किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का यहाँ पे थंब रूल आप निकाल सकते हो, ठीक है, अगर ये आपके पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका रनिंग फीट में इतनी ब्रिक्स लगेगी। और दूसरा थंब रूल हमारे पास क्या बन गया इसी वीडियो से, कि 4.5 इंची वाल में 4.5 ब्रिक्स लगेगी, 9 इंची वाल है तो 9 इंची ब्रिक लगेगी, और 13.5 इंची वाल है तो हमारे पास 13.5 इंच 13.5 ब्रिक्स लगेगी, सिंपल यहाँ पे थंब रूल बन जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।